हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्य मैं दिन फ्रेंड्स लियो का निकाल रही हूँ, सिंह राशि। और आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कष्ट रहता है। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कब खत्म होगा सबसे बड़ा दुख आपका लाइफ का, चाहे मैरिज के लिए हो सकता है, फाइनेंस को लेके हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके लिए जॉब के लिए हो सकता है, करियर के लिए, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कब तक सॉल्व होगी, उसी पर्पस से मैं निकाल रही हूँ, बहुत परेशान रहते हैं सब। ठीक है, चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं लियो के लिए जो सबसे बड़ा उनका दुख है कब तक, किस तक खत्म हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, अचानक से कुछ घटित हो जाता है और फिर नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। कोई पीछे पड़ जाता है उस काम को और आपका काम को नहीं होने देता है, जिसे नज़र लगना या कुछ इस टाइप का, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोग पूजा पाठ, जिस भी रिलीजन के हैं, पूजा पाठ या अपने गॉड में बहुत बिलीव रखते हैं और एक्शन में भी रहते हैं, अपने कर्म को प्रधान मानते हैं लियो आप लोग, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स देख के। तो अब ये सारे कार्ड्स आते हैं तब मैं बताऊँगी कि कब तक खत्म होने वाला है। मोस्टली का मुझे लग रहा है, अभी बता रही हूँ, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपका जो भी कष्ट है, अपने अपने तरीके से देखें, जो आपको लग रहा है कि बहुत कष्टदायक मैंने ज़िंदगी देखी या बहुत कुछ देखा है आपने अपने लाइफ में, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप लोग एक्शन में हैं और जो भी बुद्धि और ज्ञान आपको मिल रहा है वो आपके गॉड आपको दे रहे हैं। ठीक है, रास्ता दिखा रहे हैं। देखो टेंपल पाथ का है, आप हो सकते सपना के थ्रू या कोई इंडिकेशंस आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कब तक होगा, मोस्टली का मुझे लग रहा है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, बहुत थक चुके हैं किसी चीज़ से, उनके लिए मैं बोलूँगी जब भी आप देखेंगे 8 मंथ्स तो ज़रूर लगेगा। ठीक है, चाहे वो मैरिज के लिए हो या यानी जो जिनके भी है, 8 मंथ्स आपको ज़रूर लगे, चाहे किसी भी पर्पज़ से आप देख रहे हो। ठीक है, फाइनेंस को लेके कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम जिनका भी चल रहा है उनका मोस्टली मुझे लग रहा है 4 मंथ्स और इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है लियो, 4 मंथ्स से ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। 4 मंथ्स के बाद आप जब भी देखेंगे, आफ्टर 4 मंथ्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बेटर होने वाला है, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, या प्रमोशन चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, कुछ भी चीज़ को लेके आपको प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई स्टूडेंट्स हैं जो कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ भी ऐसा, तो आफ्टर 4 मंथ्स जब भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिले। ठीक है, और 8 मंथ्स में बिल्कुल बहुतों का लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, अगर आप जिस चीज़ से परेशान हो। ठीक है, कुछ जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो, मैरिज के पर्पस से देख रहे हो, लव लाइफ के लिए देख रहे हो, कुछ भी देखो, वॉकिंग अवे। ठीक है, और 8 मंथ्स के बाद, मैंने बोला ना 8 मंथ्स, अरे देखो 27 आया नंबर, 9 नंबर, यानी 9 मंथ, आफ्टर 8 मंथ्स के 9 मंथ जब भी आएगा आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। ठीक है, वॉकिंग अवे आया। ठीक है, देखो 7 मंथ आप, यानी तब तक आपको क्या करना है, जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो उनको प्रे करना है, अपना जो भी करते हो, देखो देयर टेंपल पाथ, और एक्शन में रहना जो भी काम करते हो, क्योंकि आपकी 6th चक्रा बहुत एक्टिव हो गई है और 1st चक्रा भी एक्टिव है। ठीक है, 1st and 6th चक्रा एक्टिव है और आप लोग बहुत पीसफुल्ली अब सारा चीज़ सोचेंगे भी, करेंगे भी, लेकिन जानते हो हमेशा क्या होता है लियो, आपके साथ कोई ना कोई बीच में आता है आपके लाइफ में और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर हो जाता है। एक हैप्पी फैमिली बनेगी ही बनेगी, देखो कुछ ना कुछ तो, अगर कोई बहुत कोई हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप देखो डेक में आए हैं गार्डन ऑफ एंड द गेट, और इसमें अभी देखा हमने कि वॉकिंग अप, देखो डेक में है गार्डन एंड द गेट, यानी रुके हुए, फंसे हुए, वेट कर रहे हो किस चीज़ का, अपने अपने तरीके से देखें, बार बार मैं यही कहूँगी। और वॉकिंग अवे का आया तो मैं ज़रूर कहूँगी आफ्टर 8 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, किसी किसी के लाइफ में 9 मंथ्स में हो सकता है, किसी के लाइफ में 4 मंथ्स में हो सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं लियो आपके लिए, कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, आप दिमाग ख़राब हो रहा है आपका कि क्या होगा क्या नहीं, उनके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो इसीलिए मैंने कार्ड्स निकाला है। कब तक होगा, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं आपके, बहुत सारे, क्या होगा क्या नहीं, यानी नींद उड़ी हुई है, ऐसा किसी किसी का बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, बहुत कोई तो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा लंबे बातचीत करते हैं,
या फिर कोई मिल जाता है, दोस्त है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। और कभी कभी तो बहुत यानी गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा फील करते हो आप लोग भी हो। और किसी चीज़ का आपको दर्द बहुत ज़्यादा है सीने में, ऐसा मुझे दुख है, जो यानी बयान करना भी चाहते हो और नहीं भी, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स देख के। लेकिन अब ये जानने के कंप्लीट हो गया है आपका सर्कल, जो मंथ मैंने बताया है बहुत जल्दी आपका वो चीज़ पूरा होने वाला है, ठीक है। और बहुत देखो काम का बहुत, यानी कि आप लोग वो ही वर्क कॉलिक का आया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग मेहनती बहुत हो, एक्शन में भी रह रहे हो, तो ज़रूर होगा आपका जो भी मंथ है, विजडम मिलने वाली है, ठीक है। फाइनेंस को लेके भी बहुत कोई ऐसे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस को लेके भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम चल रही है लियो, हो सकता है कि हो ऐसा, ठीक है। यानी कि जॉब है बट फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत फाइनेंस को लेके हो जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आफ्टर 4 मंथ्स ज़रूर होगा, ठीक है। जो भी आपके साथ आपको लग रहा है कि देखो ग्रेटिट्यूड का आया है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है 9 मंथ्स 8 मंथ्स 4 मंथ्स, अपने अपने तरीके से देखें, एज के अकॉर्डिंग भी हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। जिनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि मुझे लग रहा है 38+ जो हैं, और फाइनेंस को लेके अगर प्रॉब्लम चल रही है 38+ वालों के लिए, जो फाइनेंस को लेके अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका 4 to 5 मंथ्स में सॉल्व होने वाला है, ठीक है। किसी किसी का 2 मंथ्स में भी हो सकता है। और मैरिज को लेके या कुछ फैमिलीज को लेके कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ भी ऐसा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है वो, फोर मंथ्स में। देखो हैप्पी फैमिली का आया, वो भी 4 मंथ्स में बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर वाला सिचुएशन हो जाए, ठीक है, बिल्कुल क्लीन हो जाओगे। यानी कि उस चीज़ से अब, यानी कि अगर बाहर निकलना चाहते हो तो बाहर निकल सकते हो, साथ में रहना चाहते हो साथ में रह के एक हैप्पी फैमिली की तरह गए और रहोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी इतने इतने मंथ्स तक में ठीक हो जाएगा। अब अपने तरीके से देखें, पॉजिटिव रहें, एक्शन में रहें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि टेंपल का पाथ का भी आया था और प्रेयर का भी आया था। मैं ये कहूँगी प्रे करते रहें, रेस्ट करें, अपने दिमाग को रेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखे हुए हो, रेस्ट नहीं दे पा रहे हो, सकता है दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपका लियो आपका, तो इसलिए मैं कहूँगी जो जो मंथ्स मैंने कहा है बहुत जल्दी ही सॉल्व होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहें, एक्शन में रहें। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और को फैलाओ। फ्रेंड्स थैंक यू, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देना कि क्या ऐसा कुछ है, तो ज़रूर होगा आपका पूरा। थैंक यू।